छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आम जनता भी बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर मतगणना के लिए तैयारियां शुरू हो गई है और प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दावा किया है कि राज्य में स्पष्ट रूप से भाजपा की ही सरकार बनेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर को परिणाम का इंतजार सभी को है। राज्य में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हर क्षेत्र से सर्वे और कार्यकर्ताओं की चर्चा के बाद निष्कर्ष यही निकला है। और 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। और वो चाहे प्रथम फेज का हो या द्वितीय फेज का हो, बस्तर का हो या सरगुजा का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब की निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पर बढ़त के साथ सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 3 तारीख का नतीजा ये कहता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस उत्साह के साथ प्रदेशवासियों ने भाजपा को आशीर्वाद प्रदान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा के सभी सदस्यों ने अथक परिश्रम किया है, उसने 3 दिसंबर का परिणाम स्पष्ट कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि भाजपा कभी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है। हम सामूहिक नेतृत्व में कमल निशान पर चुनाव लड़ते हैं और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है, इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा।